कितने लोग जो है यहाँ पर ये मानते हैं बीजेपी इस बार जो है वो 100 के पार रहेगी, कितने लोग मानते हैं? 200 के पार बीजेपी, 200 के पार, 200 प्लस, 200 प्लस। 2 मई ममता गई, 2 मई ममता गई, पक्का। कहाँ से? 100% बंगाल से, बंगाल से। आप ताली बजा रहे हो, आप इसकी तरफ हो गए, बीजेपी की तरफ टीम? इन्होंने सत्य बात कही है, इन्होंने भी बात सत्य कही है। टीएमसी ठीक है कि बीजेपी? हाँ, बीजेपी ठीक है कि टीएमसी? अभी एज एक्चुअल पोजीशन पर टीएमसी ठीक है। हाँ, यही आप कह रहे, मोदी ममता, ममता बनर्जी जिंदाबाद कह रहे, जिंदाबाद। ये जो है वो हालात है यहाँ पर, काफी देर से हम टहल रहे हैं और हमने लोगों से ऑफ द कैमरा बात किया, यहाँ पर एक भी लोग जो है वो बीजेपी के समर्थन में नहीं है। और एक यहाँ पर कोई आए माशे जो है वो बीजेपी कह रहे थे कि 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मिनट बाद में वो खुद ही चले गए। ठीक है, आप बताइए सोनार बंगला की खेला हो गए, क्या हो गए भैया? खेला हो गए, हमारे दीदी को कोई हटा ही नहीं सकता यहाँ से। जितना काम दीदी किया ना यहाँ पे, और हम लोग का जो सुख शांति है, आज हम हिंदू है, इतना मुस्लिम भाई के बीच में खड़े हैं ना, तो दीदी का राज में ही हो सकता है। वो तो कह रहे कि मुस्लिमों के लिए ही कर रही है, वो मुस्लिम लोग के लिए कर रही नहीं है, हिंदू लोग के लिए भी कर रही है। दुर्गा पूजा में 50,000 रुपए दी, ऐसा नहीं है। सुनिए, दीदी बिना हम लोग का बंगाल सुरक्षित नहीं है, दीदी को जरूरी है हम लोग आना। खेला होबे होबे। आपको 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 क्या लगता है खेला होबे का मतलब क्या है? हम लोग क्या, हम लोग क्या दीदी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए खेला होबे? 24 में दीदी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और सबसे पूछिए कि 24 में दीदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग। खेला होबे की सोनार बंगला, क्या चाहते हैं? ना ना, खेला होबे, खेला होबे, निश्चित होबे, बीजेपी आस्ते होबे, बीजेपी आस्ते होबे। খালি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোনার বাংলা করবো, এই করবো, ওই করবো, ওরা খালি নানা রকম কথা বলছে। ভাই ইয়ে আমারে বিহার আর ইউপি সোনার বাংলা বানা, বিজনেস কা পুরা হালত খারাপ কর দিয়া মোদি। क्या किया मोदी? नोटबंदी है, नोटबंदी कर दिया। खाली अदानी और अंबानी के अलावा कौन कमा रहा पैसा है? खाली अदानी और अंबानी के अलावा कौन कमा रहा मोदी? সোনার বাংলা, সোনার ছেলে আছি আমরা, আমরা নিজেদের বাংলা করে নিতে পারবো। থোড়া থোড়া শান্ত, থোড়া পিছ হইয়ে। ये ये कितने लोग जो है यहाँ पर ये मानते हैं बीजेपी इस बार जो है वो 100 के पार रहेगी, कितने लोग मानते हैं? 200 के पार बीजेपी, 200 के पार, 200 प्लस, 200 प्लस, 200 प्लस, 200 माइनस, ऑल ओवर इंडिया 200 माइनस, 200 प्लस। अबे 2 मई ममता गई, अच्छा 2 मई ममता गई, पक्का पक्का। कहाँ से? 100% बंगाल से, बंगाल से। क्या करा है मोदी जी ने ऐसा? हा? क्या करा है मोदी जी ने? मोदी जी ने अभी कुछ नहीं किया, मोदी जी आने वाले 5 साल में करेंगे। हिंदू है आप, बोलिए हिंदू है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, जश जश जश, मोदी हटाओ, देश बचाओ। दिया 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 दिया, भाई को जवाब देने दो, बोलिए बोलिए, पूरी पूरी आजादी आप बोलिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदी हिंदी हिंदी, हेलो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदू एंड मुस्लिम, बट ही इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। ना, टॉकिंग अबाउट ओनली हिंदू, ओनली हिंदू एंड मुस्लिम, सो नथिंग एल्स। वी नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदू ओनली, we all are Indian and we are a freedom free. Yeah, definitely I am not Hindu and Muslim, yeah, because yeah. I am proud to be Indian. Yeah. I am Indian, yeah. But we all are Indian. बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि देश के अंदर रेलवे बिक रही है, एयर इंडिया बिका, BSNL बिका, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपका
आपका और मेरा है, और अगर मेरे वतन की जमीन बिकेगी तो मुझे दर्द होता है चाहे आपको ना हो। इसलिए मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ, उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं इसलिए विरोध नहीं करता, मोदी कौन सा मेरे मकान पे कब्जा करके ले गए जो मैं विरोध करूंगा, लेकिन जो देश की जमीन बिक रही है आपके लिए ये हंसने वाला सवाल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये गंभीर प्रश्न है, क्योंकि रेलवे किसी के बाप ने हमें दहेज में नहीं दी, ये हमारा है और हमारे देश पे। अरे रुको यार दादा, आप ताली बजा रहे हो, आप इसकी तरफ हो गए, बीजेपी की तरफ टीम। इन्होंने सत्य बात कही है, इन्होंने भी बात सत्य कही है। टीएमसी ठीक है कि बीजेपी ठीक है? हाँ, बीजेपी ठीक है कि टीएमसी ठीक है? अभी एज एक्चुअल पोजीशन पर टीएमसी ठीक है। आप कह रहे मोदी ममता बनर्जी जिंदाबाद कह रहे ममता जिंदाबाद। देखिए ये जो है वो हालात है, ये जो है वो हालात है कि किस तरह से जो है पश्चिम बंगाल। दादा 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 थोड़ा अगर हो पाएंगे तो ठीक से बात हो पाएगी, वरना बंद करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाएगी बात कर। हाँ देखिए, ये जो है वो हालात है, यहाँ पर काफी देर से हम टहल रहे हैं और हमने लोगों से ऑफ द कैमरा बात किया। दादा एक बार थोड़ा आप धक्का ना दे तो मैं कुछ बोल लूँ। ठीक है रुकिए, यहाँ पर जो है ऑफ द कैमरा जो है हमने कई सारे लोगों से बात की, लेकिन यहाँ पर एक भी लोग जो है वो बीजेपी के समर्थन में नहीं है। और एक यहाँ पर कोई आए माशे जो है वो बीजेपी कह रहे थे कि 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मिनट बाद में वो खुद ही चले गए। ठीक है, और यही जो है वो हालात है यहाँ पर। मोहित शर्मा हमारे साथ में। मोहित एक आखिरी सवाल जी, सवाल एक लेकिन ये भी है ना जी, ममता बनर्जी के लिए जो बोला जा रहा है, ममता बनर्जी के लिए अमित शाह ये कह रहे हैं, अब वो अपनी चोट के लिए जो है भाने कर रही है, तो वो अपने चोट के लिए भाने कर रही है, तो ममता बनर्जी अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती है अगर उनको सच में चोट लगी है? एक बात आप मुझे बताइए, इसी बंगाल की भूमि पे जेपी नड्डा आते हैं, उनकी गाड़ी का शीशा नहीं फूटता लेकिन ईंट अंदर पाई जाती है। एक बात अगर आप मुझे बताइए ना, कैसे पाई जाती है? दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं? मैं फकीर हूँ, मैं फक्कर फकीर हूँ, मैं गरीब हूँ, उनको क्या जरूरत है बनाने की, बताने की कि मैं गरीब हूँ? बताइए ना आप मुझे, वो सिंपैथी नहीं है? मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, ये कहेंगे आप? इनका जितने भी इनके प्रोपोगेंडा है, पाकिस्तान की इन्होंने बात करी कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान से संपर्क है, एक बात मुझे बताइए, पाकिस्तान में बिरयानी तो हैदराबाद की भी फेमस है और मुरादाबाद की भी, लेकिन मोदी जी को पसंद पाकिस्तान की आती है। दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांटते हैं पाकिस्तान को, ये रिश्ता क्या कहलाता है मोदी जी का, ये बताइए? जिन बांग्लादेशियों को भगाने की बात करते हैं वहाँ जाके संबोधित करते हैं, असल में मैं कहूँ तो ये पनौती है, ये अमेरिका गए तो ट्रंप तबाह, बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश तबाह, बांग्लादेश में दंगे हो गए, 4-5-6 लोगों की मृत्यु हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए? सर जी देखिए, हम लोग कोई सपोर्टर नहीं है, हम लोग ममता का चाहने वाला है। ठीक है, दूसरा मुद्दा ये है कि मैं मुद्दा में बात बोलूँगा कि प्रधानमंत्री ने 2013 में क्या कहा था, पेट्रोल का दाम कम होगा, हुआ नहीं हुआ? गैस का काम कम होगा, हुआ नहीं हुआ? ये महंगाई मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा तो 100% है, जो महंगाई मुद्दा में नहीं आएगा वो जाहिल है, बेवकूफी का सरकार नहीं बनाना हमें, मुद्दा का सरकार बनाना है। ममता का हम लोग चाहने वाला है कि ममता बेस्ट सीएम है पूरा इंडिया में। सुनीति रानी ने और मोदी जी ने क्या कहा था 2013 में, गैस का दाम कम हुआ नहीं हुआ, पेट्रोल का दाम कम हुआ नहीं हुआ, महंगाई कम हुआ नहीं हुआ? हम मुद्दा में वोट देना चाहते हैं, जो मुद्दा है वही मुद्दा में वोट देना चाहते हैं, बस यही मेरा कहना है। अच्छा एक बार फिर से पूछेंगे जी, बोलिए, क्या बीजेपी का वोटर साइलेंटली टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगा? नुकसान एक बार सब लोगों से पूछते, चलिए थोड़ा सब लोगों से पूछते हैं, वीडियो को खत्म करेंगे, थोड़ा इधर हो जाइए सब लोग, एक सवाल पूछेंगे, सब लोग हाँ ना में बोलिएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट है और टीएमसी को इससे नुकसान होगा? कितने लोग मानते हैं? नहीं होगा। क्या जो मुस्लिम तबका है पश्चिम बंगाल में, खास करके जो है उसका फर्क रहेगा किस तरफ जीत हार में,
तो क्या मुस्लिम तबका जो है वो बटेगा, पीरजादा फैक्टर जो है वो कुछ काम करेगा? दिखाई ये वोट 300 किसानों की शहादत पे डलेगा, ये वोट 300 किसान की शहादत पे डलेगा, दिल्ली बॉर्डर पे डटे किसानों की शहादत पे डलेगा, और महिलाओं के होबड़े ऊपर अत्याचार के ऊपर डलेगा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू जो लूट रही है उसके ऊपर होगा। ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, और इन गोरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया पार्ट टू की सरकार को अब बंगाल से नहीं पूरे भारत से खदेड़ना है। अच्छा, क्या क्या आखिरी सवाल पूछेंगे, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी का जो हाई प्रोफाइल प्रचार है उससे कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दिखने के लिए बस महंगाई का मुद्दा में वोट देंगे, कोई का सपोर्ट में वोट नहीं देंगे, जो अच्छा सीएम है अच्छा सीएम ही रहेगा। एक लेडीज को हराने के लिए बंगाल में अमित शाह से लेके मोदी से लेके योगी सारा आ गया, अगर माँ का दूध पी गया तो सिंगल सिंगल लड़ ले ममता से, आस पास का लड़ाई हो जाएगा। तो देखिए ये तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारी बातें यहाँ पर लगातार बेबाकी के साथ में बंगाल की, पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरह के हालात यहाँ पर आप देख रहे हैं, तमाम सारे सवाल जो है वो हमने पूछे हैं, लोगों ने बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। इस खबर को लेकर के, पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा में इस बार 2 मई को क्या नतीजे होने वाले हैं इसको लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।